हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, और इसका सोल्यूशन आप मेरे ब्लॉग पे जाके भी देख सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे, क्योंकि आने वाले वीडियो में पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। क्वेश्चन इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन ये होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जैसे 3/2, 1/3। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? फ्रैक्शन में होते हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो इस तरह के नंबर्स को ये क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन। तो अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो हमें यहाँ फ्रैक्शन फाइंड करना है, मतलब कि अगर हम x अपॉन वाई लेते हैं या p अपॉन क्यू लेते हैं तो उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को ही लेट कर लेते हैं, जो फाइंड करना है उसी को लेट करते हैं। तो लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। ये फ्रैक्शन हमने लेट किया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ये जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, ये बन जाता है 9/11। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 2 को दोनों में, न्यूमरेटर में भी ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी ऐड करें, तो ये क्या बन जाता है? एक 9/11 के इक्वल हो जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। सेकंड इसमें क्या है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है? 5/6। तो आई होप आपको इक्वेशन बनानी तो समझ में आ गई, बहुत इजी है। तो अगर ये क्वेश्चन में दोनों में सेम नंबर को ऐड किया है, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में 2 को ऐड किया है, सेकंड इक्वेशन में 3 को ऐड किया है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और क्या बन गया? 5/6। नाउ इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैंने आपको ये बताया था कि आप चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करो, इक्वेशन हमारी सॉल्व फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इक्वेशन सॉल्व फॉर्म में है ही नहीं, तो फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वो कैसे होगा? हम इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और वैसे भी आपको पता है ये जो डिवाइड होगा, तो ये जब अपना रिलेशन यहाँ चेंज करेगा तो ये मल्टीपल में जाएगा, तो ये यहाँ मल्टीपल होगा, ये डिवाइड में है तो ये यहाँ मल्टीपल में होगा। तो इससे अच्छा यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीपल, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो ये क्रॉस मल्टीपल कैसे होगा? 11 मल्टीपल होगा एक्स प्लस 2 से, इक्वल टू 9 से मल्टीपल होगा y प्लस 2। और आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, ये डिवाइड में है ना यहाँ पे, तो ये मल्टीपल में चला गया, ये यहाँ पे डिवाइड में था तो ये इसके मल्टीपल में चला गया। या फिर क्रॉस मल्टीपल कर दो इसको, इससे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से। ओके, नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सारे प्लस है तो साइन देखने की जरूरत ही नहीं। 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 2 22, इक्वल टू 9 इंटू वाई 9y, प्लस 9 इंटू 2 18। अब हम क्या करते हैं? वेरिएबल को एक तरफ ले लेते हैं और नंबर को एक साइड, तो ये सॉल्व फॉर्म हो जाएगी। तो 11x 9y ट्रांसफर किया तो माइनस 9y इक्वल टू 18, प्लस 22 इधर ट्रांसफर होके माइनस 22। तो ये हमारा हो गया 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 24, प्लस माइनस माइनस, तो 18 माइनस 22 हो गया 4, साइन 22 का आएगा तो -4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड यहाँ से हम सॉल्व करके और इसको भी सॉल्व फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये भी हमारा सेम 6 हो जाएगा x प्लस 3 से मल्टीपल, और ये 5 हो जाएगा y प्लस 3 से मल्टीपल। नाउ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 3 18, इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y, प्लस 5 इंटू 3 15। अब सेम इसमें वेरिएबल को एक तरफ ले लेते हैं, तो 6x 5y इधर ट्रांसफर हुआ तो माइनस का 5y हो जाएगा, और 15 18 यहाँ से इधर ट्रांसफर हुआ तो पॉजिटिव हटके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अब ये हो गया 6x माइनस 5y, 15 माइनस 18, प्लस माइनस माइनस होता है तो 15 18 माइनस से 15 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बच गया यहाँ पे? 3। लेकिन जो साइन नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा, तो 18 बड़ा है तो उसका साइन आएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हमें किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे पुट करनी है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही इक्वेशन में चारों के कोफिशिएंट है, तो किसी भी एक को हम से हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमने लिया फ्रॉम 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 से हमने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 6x इक्वल टू 5y इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो गया -3 पहले से है, 5y ट्रांसफर तो नेगेटिव इधर आएगा तो ये हो गया पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा -3 प्लस 5y डिवाइड बाय मल्टीपल है इसलिए यहाँ के 6। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 और इसी को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमने 2 से फाइंड किया ना वैल्यू, तो इसलिए हमको इसको 1 में पुट करना पड़ेगा। तो सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू -3 प्लस 5y डिवाइड बाय 6 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो यहाँ x की जगह पुट करना है, तो ये हो गया 11 और इसकी जगह पुट किया x की वैल्यू यहाँ पुट किया। तो ये हो गया 5y -3 लिख लेते हैं, तो ये साइन का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, डिवाइड बाय 6 और फिर -9y इक्वल टू -4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ये 11 को अंदर मल्टीपल कर लेते हैं, उसके बाद हम एलसीएम लेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही सॉल्व करना है। तो 11 इंटू 5 हो गया 55y, -11 इंटू 3 हो गया 33 डिवाइड बाय 6 -9y डिवाइड कुछ नहीं तो यहाँ 1 ले लेते हैं क्योंकि हमें एलसीएम लेना -4। तो 1 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो ये हमने राइट कर लिया यहाँ पे 6। तो यहाँ 6 के टेबल में 6 1 टाइम, तो यहाँ सिर्फ 1 से मल्टीपल होगा तो ये यहाँ पे कोई चीज नहीं, सेम रहेगा। फिर -1 के टेबल में 6 टाइम, तो 9 से 6 मल्टीपल होगा। तो ये हो गया 54y इक्वल टू -4। अब इसको सॉल्व फॉर्म में करना है, तो डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर को हम राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर यहाँ डिवाइड में, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीपल में। तो ये हो गया 55y -33 -54y इक्वल टू -4 इंटू 6। तो ये हो जाएगा -24। यहाँ हम कर लेते हैं और इस नंबर को भी हम उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 55y -54y इक्वल टू -24 -33 इधर आ गया तो +33 हो गया। तो ये 54 है। तो 55y -54y कितना हो गया, एक ही y बच गया, पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव का साइन बढ़ा है। और ये 33 -24 कितना हो गया यहाँ पे 9। तो y की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई 9। ओके, तो ये एक हमें वैल्यू मिल गई। नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर और x की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ये हो गया हम सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। तो ये हो गया x इक्वल टू -3 प्लस 5 इंटू 9 डिवाइड बाय 6। तो ये हमारा हो गया -3 9 इंटू 5 हो गया 45 डिवाइड बाय 6। तो x इक्वल टू हो गया हमारा 45 -3 कितना हो गया 42, पॉजिटिव का आएगा क्योंकि पॉजिटिव का साइन बढ़ा है, डिवाइड बाय 6 के टेबल में 42 आता है 7 टाइम। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो गया 7। तो ये हमारा x भी फाइंड हो गया और y भी यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। नाउ फाइनल आंसर, सो द फ्रैक्शन इज हैंस द, ये फाइनल आंसर आपको हर क्वेश्चन के साथ में राइट करना है। फ्रैक्शन इज 7/9 क्योंकि हमें x/y लिया था ना, x की वैल्यू को ऊपर रखेंगे तो x 7 था हमारा, x 7 और y हमारा 9, तो ये 7/9 हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा और भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।